नमस्कार दोस्तों, फाइनली Realme के Realme 8 Pro में एक नया अपडेट आ चुका है। दोस्तों आज मैं आपसे इसी अपडेट के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये अपडेट दोस्तों आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और दोस्तों साथ ही आपको इस अपडेट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि ये अपडेट कितने साइज का है, इसमें आपको क्या क्या चेंजेस होकर मिलते हैं और ये अपडेट दोस्तों किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये चले पहली बार आयो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में मेरे अंदर बात है जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों Realme का Realme 8 Pro में एक नया अपडेट आ चुका है। इसकी साइज़ की बात करूँ दोस्तों तो वो है दोस्तों 286 MB का। तो दोस्तों ज़्यादा जो बड़ा अपडेट नहीं है, बट 286 MB में दोस्तों हमें क्या मिलता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इस अपडेट में आपको जो सिक्योरिटी पैच लेवल है दोस्तों वो हो जाएगा आपका जुलाई का, आपका सिक्योरिटी पैच लेवल दोस्तों इंक्रीज कर दिया गया है। और दोस्तों इस अपडेट में दोस्तों जो अपडेट का जो वर्जन है दोस्तों वो है दोस्तों 11.1.41। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि इस अपडेट में आपको चेंजेस क्या होकर मिलते हैं। तो दोस्तों आपका जो सिस्टम है उसमें दोस्तों आपने देखा हुआ Realme 8 Pro में कि काफ़ी ज़्यादा बक्स आ रहे थे, फ़ोन लैगिंग कर रहा था। तो दोस्तों वो आपकी स्टेबिलिटी है वो फिक्स हो जाएगी, आपका फ़ोन पहले से ज़्यादा काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। और दोस्तों फ़ोटो में जो बक्स आ रहे थे दोस्तों, जो जैसे आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे दोस्तों जो फ़ोटो वगैरह होते हैं वो सेव करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी काफ़ी लोगों को। हर फोन में नहीं हो रहा था दोस्तों, लेकिन काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही थी, तो वो भी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कर दी गई है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला दोस्तों जो फोल्डर है उसमें भी दोस्तों काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही थी यूज करने में, तो उसमें भी दोस्तों जो बक्स है वो फिक्स कर दिए गए हैं। तो दोस्तों जो छोटे मोटे बक्स हैं इस फ़ोन में, जैसे दोस्तों सिस्टम का इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है और व्हाट्सअप वाला जो मैंने जो आपको बताया था वो फिक्स कर दिया गया है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला सिस्टम जो इसमें दोस्तों दिक्कत आ रही थी वो भी फिक्स कर दी गई है। सिक्योरिटी पैच लेवल दोस्तों 1 जुलाई कर दिया गया है। तो दोस्तों ये छोटे मोटे जो चेंजेस हैं वो इस अपडेट में आपको चेंज होकर मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो अपडेट है ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ये इसलिए दिया गया है जिससे दोस्तों आपके फ़ोन में जो दिक्कत आ रही है छोटी मोटी वो फिक्स हो सके और आपका फ़ोन पहले से ज़्यादा और भी स्टेबल हो जाए। और सिक्योरिटी पैच लेवल दोस्तों 1 जुलाई कर दिया गया है, तो दोस्तों ये अच्छी बात है। तो दोस्तों जिन लोगों का फ़ोन काफ़ी अच्छा चल रहा है पहले से, जिन लोगों के फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है एकदम स्मूथ चल रहा है, वो लोग इस अपडेट को ना करें, क्योंकि इस अपडेट में कोई हमें चेंज होकर नहीं मिल रहा कुछ भी। बट जिन लोगों का फ़ोन दोस्तों लैगिंग कर रहा है, दिक्कत आ रही है छोटी मोटी, वो लोग इस अपडेट को जरूर कर लें, क्योंकि आपका फ़ोन पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो दोस्तों मैं करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।